नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन किया जा चुका है, जिसमें लगभग वही खिलाड़ी हैं जो आपको एशिया कप में दिखे थे। बस जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल को वापस टीम में लाया गया है। हालांकि ये दोनों खिलाड़ी एशिया कप में भी होते पर चोटिल होने की वजह से टीम से दोनों को ही दूर रहना पड़ा था। वहीं आवेश खान को टीम से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि हमने भी देखा था कि वो एशिया कप में या उससे पहले भी अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। हालांकि अर्शदीप ने अपनी गेंदबाजी से सभी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, स्पेशली डेथ ओवरों में। वहीं टीम के अनाउंस होने के बाद कई सारे पूर्व क्रिकेटर्स ने अपनी राय देनी शुरू कर दी। कल ही भारत के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन ने भी कहा कि स्टैंड बाय की जगह श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी का नाम टीम में होना चाहिए, तो लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। वहीं कल भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका मानना है कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से रोहित को ओपन कराना चाहिए और खुद को 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए। वसीम जाफर ने महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण देते हुए लिखा है कि उन्होंने भी 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा के लिए ये डिसीजन लिया था। उनके बाद उन्होंने बताया कि केएल राहुल, ऋषभ पंत, विराट, रोहित और स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव उनके टॉप 5 बल्लेबाज हैं। हालांकि वसीम जाफर के इस विचार पर लोगों ने भी अपनी बात रखी है। एक सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा है कि आखिर क्यों ऋषभ को भारतीय टीम में इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है, क्यों उसे प्लेइंग 11 में रखना। कई और खिलाड़ी हैं जो टीम में किसी भी पोजीशन पर खेलने को तैयार है, उन्हें बिल्कुल भी चांस नहीं मिल रहा है। एक ने कहा कि माफ करना, पर रोहित को बतौर ओपनर कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। हालांकि ये हमें भी लगता है रोहित शर्मा को ओपन से हटाना कोई सही फैसला नहीं होगा, और ऋषभ पंत इन दिनों कुछ खास नहीं खेल पा रहे हैं। T20 में अब तक उनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं बोला है, तो ऐसे में वसीम जाफर के विचार पर अमल करना टीम के मैनेजमेंट को दिक्कत हो सकती है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।